अयोध्या हारने का बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि हमने बिल्कुल नहीं सोचा था ये। भगवान राम नाराज थे या लोगों को समझ ही नहीं आया, भव्य मंदिर बना, मंदिर के साथ कितने पुजारी जुड़े होंगे। उन समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब भी आई है, तब तब गुंडों ने अपने ऐसे सर उठाए हैं कि क्या जो फन उठाता है जैसे नाग। हमारे साथ मधु बघेल भाभी जी हैं, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल सर की पत्नी है। मैम बताइएगा कि बघेल जी जीत गए तो आप पहले भी कहती थी जीतेंगे जीतेंगे, जनता भी कहती थी, तो जीतने के बाद क्या शुरू से कोई तनाव था कि कैसे जब मतगणना शुरू? नहीं, इस वाले इलेक्शन में हमें कोई तनाव नहीं था, क्योंकि दिख रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि इसलिए हम आश्वस्त थे पूरी तरह, क्योंकि बघेल साहब ने बहुत मेहनत की थी और काम था उनका, और जो हमारे मोदी जी की योजनाएं थी वो लोगों तक पहुंचाई गई थी। ऐसा नहीं था कि जिस तरह से आवास थे प्रधानमंत्री योजना में, और जो उज्ज्वला गैस थी, जो धन पहुँचाया गया था कन्यादान, मतलब हर चीज़ को पहुँचाया गया था जन जन तक। तो पूरी तरह से हम आश्वस्त थे कि हम इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन नजरें टीवी पर रही होंगी कि हर चक्र दर चक्र। अब वो तो आपने कल नेचुरल सी बात है, मेरी सब फ्रेंड्स यहाँ आ गई और सबके चेहरे टीवी पे लगे हुए थे, और किसी का तो हम देख ही नहीं रहे थे। यही लगता था कि भाई बघेल साहब कहाँ आए, और या बीजेपी कहाँ कितनी बीजेपी के कैंडिडेट्स कहाँ कितने वोट पा रहे हैं, वही लगा रहा हमें रात तक शाम तक, जब तक रिजल्ट नहीं आ गया पूरा। और मंदिर वगैरह भी देखेंगे, पूजा पाठ? मंदिर मेरे घर में ही है तो मैंने वही पूजा पाठ की, तो मुझे थोड़ा सा तब लगा जब मतलब इतना मैं इस बात से दुखी हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना किया लोगों के लिए, इतना सब कुछ किया, तो उनको कम वोट क्यों मिला। बहुत दुखी थे हम इस चीज से कि मतलब जनता उनको समझ नहीं पाई या समझना नहीं चाहती। जैसे अयोध्या ही ले लीजिए आप, अयोध्या में इतना सुंदर मंदिर बना, इतने लोगों को रोजगार मिला, इतनी बेरोजगारी थी वहां पे, क्या कुछ नहीं हुआ वहां, बिल्कुल नहीं। क्या सोचा जनता ने मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं हमारा मन यहाँ से थोड़ा सा दुखी था कि भाई ऐसा क्यों हुआ। मोदी जी की जीत का अंतर भी थोड़ा कम हुआ पिछली बार? वो कम हुआ तो वो कम का तो मुझे जहां तक लगता है कि जो समाजवादी पार्टी है, आपको पता है कि आज तक वो तीसरे चौथे नंबर पे ही रही है, आगरा में भी दूर दूर तक समाजवादी पार्टी का कोई नामो निशान नहीं रहता। अगर यहाँ पे कोई रहती है तो बीएसपी दूसरे नंबर पे रहती है, क्योंकि ये दलित राजधानी है, कहा जाता है आगरा को दलितों की राजधानी। तो ये ऐसे कैसे हो गया कि बहन जी पूरी तरह से गायब कर दी गई। तो इन लोगों ने क्या किया, बघेल साहब जब एक अपने स्पीच में एक बात बोलते हैं हमेशा, भय भगदड़ और भ्रम, भय भ्रम भगदड़, जब ये तीन स्थितियां पैदा होती हैं तो हमारा नुकसान होता है, कहीं ना कहीं जबरदस्त कैजुअल्टी होती है। तो इन लोगों के पास और कुछ नहीं था, जब एक शेर होता है उसको चारों तरफ से घेर के शिकार किया जाता है, तो बहुत सारी नीतियां अपनाई जाती हैं। यही हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए हुआ कि इतने अच्छे इंसान को चारों तरफ से जब घेरा गया, तो उनको कोई समझ में नहीं आ रहा था कि हम इनको कैसे नीचा दिखाएंगे। तो उन्होंने ये वाली भय भगदड़ और भय भ्रम भगदड़ और भय वाली स्थिति उत्पन्न कर दी, और ये कह दिया, उन्हें कुछ मिला नहीं, कि तुम्हारा जो अम्बेडकर जी का संविधान लिखा हुआ है उसी को बदल देंगे। ये अफवाह फैला, तो ये अफवाह चारों तरफ जब फैला दी गई, तो उन्होंने सोचा कि जो हमारे संविधान की बात कर रहा है चलो उसी को वोट डालते हैं। तो ये सारे के सारे वोट बहन जी के भी समाजवादी पार्टी में डाल दिए गए, तो इसलिए समाजवादी पार्टी की बढ़ोतरी हुई, वरना समाजवादी तो दूर दूर तक नहीं थी यहाँ पे। मुझे लगता है राजबब्बर जी भी एक बार जीते अच्छे वोटों से, दोबारा उनको भी यहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ समाजवादी का कुछ है ही नहीं। पर इन्होंने एक भ्रम ऐसा पैदा किया कि लोग मजबूर होकर सब जाट और मुस्लिम तो चलो उनको ही देते, लेकिन जाट और समाज जो इनको वोट दिया वो सब गड़बड़ हुआ। तो अब क्या आपको दिल्ली कब जाना है? दिल्ली बघेल साहब चले गए हैं, और जैसे कोई शुभ सूचना आती है तो मैं भी जाऊंगी मंत्री बनने को लेकर के। अब देखिए क्या है, ये उनका नजरिया है शीर्ष नेताओं का क्या होता है, और हर इंसान चाहता है कि जब अच्छे वोटों से जीते और मेहनत करे तो उसका फल उसको मिलना चाहिए। अच्छा, बघेल जी जीते जो है, लगातार जीते आए हैं, तो कुछ खास बना था घर में खाने पीने, क्या पसंद बघेल जी? ऐसा कुछ नहीं, देखिए इतनी जनता आती है, हम तो जनता के हैं
और जनता हमारी है। जो जनता ने खाया वही हमने खाया। रात को हमने पूरी कद्दू की सब्जी और आलू का इंतजाम किया था और बूंदी थी। जिस तरह सब जनता ने खाया उसी तरह बघेल साहब ने खाया, उसी तरह हमने खाया। तो कितने बज गए रात में, जनता कब तक आती रही? रात में हमें 1:30-2 बजे करीब, और डॉक्टर चोपड़ा मेरी दीदी हैं वही करीब 12 बजे आए थे और भी कई लोग थे, तो 12-1 बज गया लोगों से मिलते मिलते ही। और उसके बाद 1:30-2 बजा करीब सोते हुए, फिर सुबह 5 बजे उठ गए, बघेल साहब को दिल्ली जाना था। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सपा बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और दो लड़कों की जोड़ी पिछली बार खिलाफ थी, इस बार थोड़ा सा तो कहीं कहीं हिट नजर आ रही है, तो ऐसे में आगे संकट खड़ा होता दिख रहा है कि कुछ करेंगे बीजेपी वाले आगे? ऐसा नहीं है, देखिए ठोकर लगने से समझ आती है, ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि सब इनकी वो भी क्रूरता जानते हैं कि जो इन्होंने एक गुंडा राज चलाया था उसको जनता भूली नहीं है। ये इन्होंने एक भ्रम पैदा किया जिससे चारों तरफ भगदड़ मच गई। हमारे पास अभी टाइम है, लोगों को सब समझ आ जाएगा। जनता एक वो चीज है जिसको भूलने की आदत होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है हम लोगों से भी कुछ गलतियां रही हो, मोदी जी की कुछ बातें लोगों को नहीं पसंद आ रही हो, तो हर आदमी सुधार करता है अपने में, लेकिन ये गुंडा राज वापस कोई भी पसंद नहीं करेगा। आज देखिए हर कोई जवान लड़की भी रात के 1:30-2 बजे तक अकेली स्टेशन से घर पहुंच सकती है। तो क्या ऐसा समाजवादी पार्टी की सरकार में था? बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जब आप देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब भी आई है तब तब गुंडों ने अपने ऐसे सर उठाए हैं कि क्या जो फन उठाता है जैसे नाग डसने के लिए, 6 बजे के बाद चारों तरफ नागों का जहर जैसे फैल जाता है और वो इसी ताक में रहता है कि कौन कहाँ निकल रहा है, उसको लूटो, उसको किडनैप करो, उसको मारो, इसको ये करो, उसको वो करो। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा राज्य हमारे उत्तर प्रदेश में हो। अयोध्या हारने का दुख, अयोध्या हारने का बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि हमने बिल्कुल नहीं सोचा था ये। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है हमसे कुछ गलती रही हो, भगवान राम नाराज थे या लोगों को समझ ही नहीं आया। मुझे तो ये लगता है कि जब उन्होंने इतना बड़ा रोजगार बेरोजगारों को दिया तो उनको क्यों नहीं समझ आया इतना भव्य मंदिर बना, मंदिर के साथ कितने पुजारी जुड़े होंगे, उनके साथ जो प्रसाद की दुकानें जुड़ी होंगी, जो लोग आते हैं वहां पे घूमने के लिए, और जो इतना सब, और फिर देखिए एयरपोर्ट बना, क्या कुछ सुविधा नहीं दी वहां पे। तो मुझे बस थोड़ा सा दुख यही है, थोड़ा नहीं बहुत दुख है उस चीज का। तो मैं अपना कह रही हूँ पर्सनल, बाकी तो नहीं मुझे पता, कहीं ना कहीं इस बात के लिए भगवान राम के सामने खड़े होके आंखें भी नम हुई कि आपने अच्छा नहीं किया। देखिए पार्टी का जीतना किसी का भी आना ना आना वो अलग बात है, लेकिन इतना सुंदर काम होने के बाद किस बात की सजा मिली ये नहीं पता। अब क्या लगता है आपको, जो है कब तक सरकार बन जाएगी? सरकार अब बड़े लोगों के काम है ये, तो देखो इसमें मेरा कुछ नहीं है, लेकिन जो मेरे दिल की बात थी। अच्छा आपको दिल्ली जाने का कोई प्रोग्राम है इधर जो है कि? हाँ अगर मंत्री जी फोन करेंगे मुझे तो मैं जरूर जाऊंगी। अभी तो मैं यहाँ इसलिए रुकी हूँ कि लोगों का आना जाना काफी है, उनसे मिलना हो रहा है। तो आप भी पूरे चुनाव में लगातार सक्रिय रही, तो कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको, कहाँ कहाँ गई? मेहनत बहुत करनी पड़ी, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ी है। मतलब कुछ लोग नाराज थे, लोगों की शिकायतें थी, कुछ जाते थे मनाते थे बात करते थे उनसे। मेहनत तो थी और गर्मी बहुत थी, सबसे बड़ी बात है बहुत गर्मी थी, परेशान भी हुए, लेकिन कोई नहीं, ठीक रहा था, अच्छा एक्सपीरियंस। ये भी लोग कर रहे हैं कि इतनी गर्मी में चुनाव हुआ, इसका भी इसका फर्क बहुत ज्यादा पड़ा, क्योंकि हमारी परसेंटेज बहुत डाउन हुई है इस बार, उसका भी फर्क पड़ा है। लोग गए नहीं, कुछ लोगों के वोट पूरे वोट ही गायब थे, ये भी बहुत गलत बात थी, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। और कॉलोनी में मुझे जैसे मेरी फ्रेंड्स लोगों ने बताया कि हमारे घर में 10 मेंबर हैं तो 2 ही वोट आए, ये क्या हुआ ये समझ में नहीं आया। तो ये थे हमारे साथ मधु बघेल जी, जो कि प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल जी की पत्नी है, और पर्दे के पीछे की अहम किरदार है ये। बघेल साहब अगर जो फील्ड में रहते हैं तो ये ना सिर्फ घर संभालती हैं, बल्कि जो इनके मतदाता है मतदाताओं के घर घर जाती हैं, और हर गाँव में इनकी भी एक बड़ी पहचान है। तो इन्होंने बताया बहुत साफ स्पष्ट बोलती हैं ये सब कुछ, और सीधी सरल सौम्य मानी जाती हैं। तो ऐसे में अब इंतजार है सबको सरकार बनने का,
तो मधु जी भी सरकार बनने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि अयोध्या सीट जो है बीजेपी हार गई है। हिमांशु त्रिपाठी, ग्राउंड जीरो स्टोरी, आगरा।